दिस इज आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी। और आज आपको मैं बताऊंगा कि HTML के थ्रू एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनती है, वो भी इस सीरीज में HTML वेब डेवलपमेंट सीरीज में। और HTML के थ्रू एक मैं मीडिया से रिलेटेड वेबसाइट बनाऊंगा जो कि आप उसमें वीडियो ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो गाने पसंद आ रहे हैं तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उससे इमेजेस निकाल सकते हैं, उसमें आप इमेज रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, वो भी HTML के थ्रू। और उसे बताने के बाद मैं आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट करूंगा, सर्वर पे ले जाऊंगा, और सर्वर पे कैसे उसे पोस्ट करते हैं उस साइट को, वो सारे प्रोसीजर मैं बताऊंगा इस वीडियो की सीरीज में। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें बिल्कुल भी, अगर आप टेक्निकल और IT से रिलेटेड हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी एंड वीडियो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो की हेल्प मिल सकती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें डिस्कशन पे आप दे सकते हो, यहाँ डिस्कशन पॉइंट है, आप यहाँ पे आके अपना मैसेज लीव कर सकते हो, मैं आपको डिस्कशन में आपका उसका आंसर दे दूंगा। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम थ्रू। सबसे पहले मैं आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि मैं अपने एक्चुअली प्रोग्राम में करने क्या वाला हूँ, प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे रहेगा। तो चलो उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उसकी एक इमेज कॉपी में अभी बनाया और इमेज कॉपी बना के मैं रख लिया हूं। तो सबसे पहले टाइटल मेरा रहेगा आशीषproduction.com, ये एक वेबसाइट का टाइटल रहेगा। और उसके बाद उसके नीचे नेविगेशन रहेगा जिसमें होम, इमेजेस, ऑडियोस, वीडियोस एंड मूवीज रहेंगे। आप जिस पे क्लिक करेंगे उस पे उसी चीज की सारी लिस्टिंग होगी, ठीक है, वो वन बाय वन लिस्टिंग होगी। और उसके बाद एक छोटा सा बैनर होगा बीच में जिससे कि थोड़ा अच्छा दिखे। एंड देन उसके बाद कुछ गाने की लिस्ट होंगी जो कि दो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे दो लिंक रहेगा, पहला रहेगा प्ले नाउ का, ठीक है, और दूसरा रहेगा डाउनलोड का। अगर आप प्ले नाउ करेंगे तो डायरेक्टली प्ले होगा और डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड होगा। कोई एड्स इसमें नहीं अटैच करना है, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली आप इसे इजीएस्ट तरीके से आप ऑनलाइन गाने सुन सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा अगर आप ये लिंक खोलोगे। तो अगर आप इमेजेस खोलोगे तो इसमें इमेजेस की लिस्टिंग हो जाएगी, बहुत सारी इमेजेस रहेंगी, आपको जो पसंद हो आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं इसमें धीरे धीरे मैं एक ऐसा एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर दूंगा जिससे आप भी अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हो इसके थ्रू और आप गूगल पे आ सकते हो, ठीक है। और देन उसके बाद मैं इसमें शेयर करूंगा वीडियोस कैसे होंगे, वीडियो उसमें कुछ लिस्टिंग कर दूंगा, कुछ मूवीज डाल दूंगा। और इसका होम सेक्शन एकदम सिंपल ऐसे ही रहेगा, आशीषproduction.com, एंड सिंपल सा एक इमेजेस रहेगा, बैनर्स रहेंगे खूब सारे, बस हो गया, ठीक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंटेशन का एक सही तरीका जो है, जो भी फाइल हो जैसी भी हो वो उसी के अंदर रहनी चाहिए। तो हमें ये एक इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं किस टाइप का वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इसका नाम दे रहा हूँ HTML वेबसाइट, ओके। और इसके अंदर मैं कुछ फोल्डर बना ले रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन होता है कि अगर आप जो भी फाइल जैसे भी बना रहे हैं तो उसके अंदर अपनी फाइल रखें। अगर जैसे हम इमेजेस बना रहे हैं तो इमेजेस के लिए इमेजेस की फाइल रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना ले रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऑडियो और नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ वीडियोस एंड यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ मूवीज, ओके। मैं यहाँ पे चार फोल्डर बनाया हूँ, ठीक है। इस चारों फोल्डर में जो जैसा होगा उस हिसाब से उसकी इमेज यहाँ पे रखी जाएगी। और देन इसमें सबसे पहले कुछ ना कुछ वीडियोस होने चाहिए, कुछ आइडियोज होने चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ से थोड़े थोड़े वीडियो ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ से कुछ वीडियो कट किए हैं और इस वीडियो को हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपने लिए, ठीक है। इनकेस हमारे पास जैसे ये दंगल मूवी का सॉन्ग है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं और अपने फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पे किस नाम से फोल्डर है हमारा, HTML, ये वीडियो सॉन्ग था तो हम इसे वीडियोस में डाल दिए। अब हमें एक मूवी चाहिए तो हम मूवी के लिए हम मूवी भी ले लेंगे, अभी फिलहाल मूवी के लिए ब्लैंक रखते हैं। और मूवी के लिए भी मैं इसी में से एक वीडियो को निकाल लेता हूँ, इनकेस हमें इस मूवी का मूवी चाहिए। तो इस मूवी को मैं कॉपी करता हूँ, ओके, एंड कॉपी करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और इसको समझ लो मैं मूवी है, मूवी पे मैं पेस्ट कर दिया, ओके। और कुछ हमें इमेजेस चाहिए तो इमेजेस के लिए मैं पिक्चर्स पे आता हूँ, कुछ मैं पिक्चर्स क्लिक करके रखा हूँ एक्चुअली मूवीज की, तो उस पिक्चर्स को ऐड करते हैं। सपोज ये कई सारी फोटोज हैं हमारे पास इसमें, तो ये एक्चुअली युवा मूवी से रिलेटेड है, तो इसको हम इस इमेजेस को कॉपी करते हैं और अपने इमेजेस नाम के फोल्डर पे पेस्ट कर लेते हैं। तो सॉरी ये ऑडियो है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एंड देन कुछ ऑडियोज चाहिए तो इसके लिए हमारे पास कुछ MP3 भी है, यहाँ कट करके रखा हूँ। तो यहाँ से मैं जाके अपने प्रॉपर अपने सारे फाइल्स में, सारे फोल्डर में अपनी सारी फाइल्स को मूव कर दिया हूँ।
अब देन हमें क्या करना है, अब वेबसाइट का एक होम पेज क्रिएट करना है। जो भी वेबसाइट वेबसाइट पढ़ती है सर्वर पे, तो उसका कोई एक इंडेक्स फाइल होता है, डिफॉल्ट पेज होता है। तो वो डिफॉल्ट पेज हम किससे नाम किस नाम से डिनोट करते हैं, इंडेक्स डॉट HTML, इंडेक्स डॉट PHP, इंडेक्स डॉट JSP, तो वो इंडेक्स से होता है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देते हैं इसे इंडेक्स डॉट HTML। एक्चुअली मैं HTML में बता रहा हूँ, तो ये HTML में ही मैं इसका एक्सटेंशन देता हूँ। ठीक है, और इसको चलो मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ Notepad++। Notepad++ इसलिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है और ईजी है, और आपके इसमें गलतियाँ मिलती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो चलो एक HTML का मैं प्रॉपर HTML5 का कंटेंट राइट कर लेता हूँ इसमें, जो भी एक स्टैंडर्ड रूल है HTML का। इसका मैं टाइटल दे दे रहा हूँ, आशीष प्रोडक्शन होम। ओके, ये होम पेज है तो मैं इसका होम दे रहा हूँ। ओके, तो हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है HTML का, नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे पहले इसे हम सेव करके इसे रन कर लॉन्च करा के देख लेते हैं एक्चुअली ये क्रोम पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो क्रोम पे हम ओपन कर रहे हैं, तो जैसा जो है जो मैंने किया है, देखो टाइटल दिया आशीष प्रोडक्शन स्लैश होम। ठीक है, तो ये हमारा होम पे अभी डिनोट कर रहा है, और होम पे हमने कुछ कंटेंट राइट नहीं किया, तो हमें कोई कंटेंट दिख नहीं रहा। तो चलो इस पे कुछ लिखते हैं। सबसे पहले मुझे हेडिंग बनाना था, तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं H1, और यहाँ पे था आशीष प्रोडक्शन .com। ओके, एंड इसको हम क्लोज कर लेते हैं H1। ठीक है, और इसे रन करा के देख लेते हैं, ये आ गया हमारा आशीष प्रोडक्शन .com। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले सेंट्रलाइज कर लेते हैं। सेंट्रलाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा CSS भी यूज करूंगा। CSS यूज करने के लिए मुझे CSS को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन कर लिया, एंड स्टाइल टैग को क्लोज भी कर दिया। अब स्टाइल टैग में मुझे क्या मॉडिफाई करना है H1 को। ठीक है, तो H1 को मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, अब इसे देख लेते हैं सबसे पहले कैसा दिख रहा है। ओके, परफेक्ट। अब इसको हमें सबसे पहले एक HR इस पे लगाना पड़ेगा, HR थोड़ा स्टाइलिश दिखे, और इस HR को भी मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा। HR कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे मैं दूंगा इसकी विड्थ दे दूंगा, मैं इसकी विड्थ दे दूंगा 80%। ओके सॉरी, और 80% दे दिया मैं। अब इसे देख लेते हैं ये कैसा दिख रहा है। ओके, परफेक्ट, मैं यही चाहता था, हम इसे रखते हैं अभी फिलहाल। ओके, और अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमें कुछ यहाँ पे नेविगेशन देना है, और वो नेविगेट करेगा, नेविगेशन कैसे बनेगा, और उसके बाद बैनर कैसे लगेगा, उसके बाद क्या मुझे होम पेज बनाना है, वो सारी आपको चीज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको कल अपलोड करूंगा, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो प्लीज़ आप मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस, हैप्पी।